अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने लगा हूँ बारिश का मौजू। बारिश के मौजू पे जो है, आप न्यू कराची में ख़ास तौर पे अगर आप देख रहे हैं तो न्यू कराची का ड्रेनेज सिस्टम जो है ना, बहुत ख़ास नहीं है, बहुत मज़ेदार नहीं है। लेकिन कुछ सालों से हो गया है, मतलब कुछ सालों से क्या, अगर मैं आपको ये कहता चलूँ कि मैंने 2-3 साल पहले जो है 2020 में कोशिश की थी कि यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बेहतर हो जाए और यहाँ पर जो हर गली मोहल्ले में बहते हुए जो गटर थे वो ख़त्म हो जाए, तो वो हुआ। वो किस तरीके से हुआ, उसमें मेरी मदद करने वाले थे पहले तो सहाफ़ती इदारे, जिनमें मोहम्मद अली हफीज़ शामिल, डॉन न्यूज़ पेपर शामिल, जंग न्यूज़ पेपर शामिल, समझ लें कि नई बात, जहान पाकिस्तान, नवाए वक्त, इन सब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले मुझे टाइम्स ऑफ कराची ने सबसे ज़्यादा जो है वो यानी कि मेरी कोशिश को जो है उन्होंने सराहा, और टाइम्स ऑफ कराची ने सबसे पहले अपने पेज पर जो वीडियो डाल दी वो सेक्टर 5 ही न्यू कराची की डाल दी, सीवरेज के मसले की वजह से, जो कि मैंने आपको स्कूल के पास की बनाई हुई थी। और वो वीडियो मैंने जब उधर वहाँ अपलोड हुई तो मुझे महसूस हुआ कि हाँ भाई, इंशाल्लाह हो सकता है। हम न्यूज़ ने भी जारी की, डॉन न्यूज़ चैनल जो है वो भी आया, बाकायदा उन्होंने भी रिपोर्ट बनाई। लेकिन समा न्यूज़ ने जो काम किया और डॉन न्यूज़ पेपर ने जो काम किया और काविश ने जो काम किया वो किसी ने भी नहीं किया, मतलब वो उस चक्कर का काम किसी ने नहीं किया। हाँ, ये हुआ, उन्होंने मसले को हाईलाइट किया, मसले को वायरल किया और बहुत वायरल किया। GNN न्यूज़ ने भी रिपोर्टें बनाई बाकायदा और बहुत वायरल हुआ है मसला। तो यहाँ का जो है ड्रेनेज सिस्टम बहुत बेहतर हो गया। और जियो न्यूज़ ने भी जो है, मुझे याद पड़ता है, आज तक याद है, जियो न्यूज़ ने 12:37 पर रिपोर्ट चलाई थी उस रात, और उसके बाद अगले दिन यहाँ पर पूरे इलाके में गटरों की सफाई हो गई अचानक से। तो भाई, कहने का मकसद ये है कि ड्रेनेज सिस्टम को जो है ना ख़राब किया गया है। मेरे नज़दीक एक्सियंस, जो ज़माने के एक्सियन थे मोहम्मद शाहिद साहब, अभी तो रिटायर हो गए, तो उनका बड़ा मसला था, उनको कंप्लेन करने जाओ तो वो तो लड़ना शुरू हो जाते, लोगों को मारने की बात करते थे, वो बड़ी बदतमीजियाँ भी करते थे, मुझसे भी की भाई, मुझे तो बोलते थे मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जा तेरा गटर साफ नहीं कराता, मैं तेरे मोहल्ले का कुछ नहीं कराऊंगा। लेकिन जब अल्लाह ताला की लाठी उनके सर पर पड़ी है तो बेचारे तो सस्पेंड हो गए, डिसमिस होते होते बच गए। लेकिन बात यह है कि इस इलाके का ड्रेनेज सिस्टम बेहतर हो गया, सीवरेज का निज़ाम बेहतर हो गया, गटर का पानी जगह जगह जो खड़ा होता था पूरे इलाके में गटरों की सफाई हो गई। तो एक्सियन साहब जो है, उस वक्त जो है उनको समझ में आ गया कि हाँ भाई, कुछ हुआ है। तो वो फिर उसके बाद नए एक्सियन आए, तो सीवरेज का निज़ाम हमारे इलाके का बेहतर हो गया। और तो मैं आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारे इलाके में कहीं जो है ना, अब यानी कि अगर पानी खड़ा हुआ है तो सिर्फ बारिश का खड़ा हुआ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। दरियाए न्यू कराची अगर बना हुआ है तो वो 5 नंबर पर बना हुआ होगा, या नॉर्थ कराची, दरियाए नॉर्थ कराची बना हुआ है तो वो मेन पावर हाउस पर बना हुआ होगा। नाले ठीक से बह नहीं रहे हैं अभी, सब कुछ, बहुत सी चीज़ें बहुत हद तक बेहतर हो चुकी हैं। तो बस ये है कि ड्रेनेज सिस्टम जो है इलाकों के अंदर जो है ना, बहुत बेहतर होना ज़रूरी है। अगर आपका मसला यहाँ आके अटकता है कि आप लोग, आपके इलाके में गटर वगैरह बह रहे हैं, तो आप पहले एक्सियन को अप्रोच करें। एक्सियन अगर काम नहीं करता है तो सब इंजीनियर्स वगैरह को अप्रोच करें, यानी कि एक्सियन को अप्रोच करें, इनसे काम। कहने का मकसद ये है कि यूसीज़ में जाने से कुछ नहीं होगा, और अगर आप न्यू कराची या नॉर्थ कराची में रहते हैं तो 1 नंबर पर एक्सियन ऑफिस है, थाना जो है 11L के सामने है, थाना न्यू कराची थाना, उसके सामने जो है ना 11D के अंदर एक्सियन का सीवरेज बोर्ड का ऑफिस है, आप वहाँ कंप्लेन देंगे तो आपके कंप्लेन पर कार्रवाई हो सकती है। तो कहने का मकसद ये, पूरे न्यू कराची, पूरे नॉर्थ कराची की कंप्लेंट वहाँ होती है। अगर यूसी में आपके बार बार कंप्लेंट करने के बाद भी बंदा अगर नहीं आ रहा है तो आपका काम बनता है कि आप एक्सियन के पास जाओ, सीवरेज बोर्ड डिपार्टमेंट के पास जाओ, वहाँ जाके कंप्लेंट करो, वहाँ से कार्रवाई करें। तो आप इस तरीके से कार्रवाई करें, इंशाल्लाह जो है आपका काम हो जाएगा। और न्यू कराची और नॉर्थ कराची का मसला, तो मैं आपको पूरे शहर का मसला मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर लियारी में भी कहीं गटर फिल है तो आप यूसीज़ के चक्कर लगा लगा के थक चुके हैं, तो आपका काम बनता है कि आप एक्सियन से रابطہ करें, सीवरेज बोर्ड के, आप सब इंजीनियर से रابطہ करें, सीवरेज बोर्ड का जो आपके इलाके का, जैसे इलाके का वॉलमैन होता है, वॉलमैन का सब इंजीनियर होता है, उसके ऊपर प्योर वाटर बोर्ड का एक्सियन होता है, उसी तरह सीवरेज बोर्ड में भी एक्सियन होता है, सब इंजीनियर होता है, सुपरवाइज़र होता है, और उसके बाद जो है उसके नीचे लेबर होती है जो गटरों की सफाई करती है। तो कहने का मकसद ये कि ये क्राइटेरिया इस तरीके से चलिएगा, दरख्वास्त दीजिए, दरख्वास्त पे भी काम होता है। सबसे ज़्यादा पहले जो ज़रूरी होती है वो दरख्वास्त होती है, दरख्वास्त आप देंगे लिखकर,
के बाद जो है ना फिर दरख्वास्त जो है रिसीव कराएं, उस पर दरख्वास्त पे बोलिए कि भाई डायरी नंबर लिख कर दो, इस पर डायरी नंबर चाहिए मुझे, तो डायरी नंबर से बहुत काम होता है।